अब मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने लगातार तीसरी बार लोकसभा में अपना परचम लहराते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद रहे, ऐसे हमारे आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी, वो आए और अपना संबोधन हम सबको एक बार जोरदार तालियां बजा करके आदरणीय सांसद महोदय का। चौधरी धर्मवीर सिंह जिंदाबाद। माननीय विपुल देव जी, मैडम किरण जी, बेटी श्रुति जी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जिला अध्यक्ष गौड़ साहब, अनिल जी, भाई रविंदर जी, उमेद पादुवास जी, सभी पदाधिकारी साहिबान, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी बुजुर्गों, माताओं बहनों और बच्चों, लगभग 2-3 महीने पहले भी आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त जेठ की गर्मी थी और जेठ की गर्मी में कितनी लू चलती है वो आपने हमने देखी है। अरे तो जेठ भी चला गया, गर्मी भी लकड़ दी, अब तो माहौल बिल्कुल आपके पक्ष में आ गया। जब गर्मी चली जाती है तो आप समझते हो फिर उसके बाद रास्ता साफ हो जाता है। तभी तो उस वक्त खासकर उत्तरी भारत से लेकर महाराष्ट्र तक एक बहुत बड़ी आंधी गर्मी की चलती थी, क्योंकि वो महीने कुछ ऐसे होते हैं जिसका भी हाथ लाओ हाथ भी जल गया था। लेकिन आज बादवे मैं तो नौमी पाछे गुग्गे पाछे तो जाडा आ जाए, जाडा जन्म ले लेता है, तो वो सर्दी का मौसम, वो गर्मी का मौसम चला गया, सुहावना मौसम, एक अच्छी खबर, अच्छी शुरुआत, ये मान के चलो इस भादवे के बाद में शुरू होगी। और जब ये रिजल्ट आएगा, मैं तो केवल एक बात कह सकता हूँ, 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी 2014 में आया, 2019 में आया, अब ये 2024 का विधानसभा चुनाव है। आपकी इस लोकसभा में 9 विधानसभा सीट हैं। अगर आपको याद हो 2014 में 9 में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 3 दूसरे दलों ने जीती। 2019 में आप लोगों ने 5 सीट जीती, 4 दूसरे दलों ने जीती, और मैं दावे से कह सकता हूं इस बार वो 4 और 5, 5 और 6, उनसे ज्यादा विधानसभा की सीट आप किस लोकसभा में आप जीतने जा रहे हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार किसकी बन रही है। आपने बाहर देखने की जरूरत नहीं है। और अब तो मेरे सामने, मैं भी लगभग 35-40 साल से क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, बहुत से हमारे बीजेपी के वही साथी जो मुझे सामने नजर आ रहे हैं, और इनसे भी ज्यादा नए साथी भी जुड़ गए, तो ये मान के चलो कि आपकी जीत का मार्जिन और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका मुकाबला किससे है? उस पार्टी से है जो पार्टी का बड़ा लीडर विदेश में जाके भी एक बात को हजम नहीं कर पाया, आप और हम सब देश के लिए, प्रदेश के लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले, डेवलपमेंट हो, खेती का ठीक भाव मिले, पानी मिले, सड़क अच्छी हो, और नहीं तो बड़े उद्योग लग जाएं। और उसका वो कांग्रेस का लीडर विदेश में क्या कहता है, भारत का माहौल ठीक नहीं है, वहां फैक्ट्री लगाने की सोचना मत, हमारे से चाइना तो बहुत अच्छा है, चाइना हमारे से आगे बढ़ रहा है। यानी वो उसकी सोच क्या है कि भारत गड़बड़ा रहा है, वहां मत जाओ, अरे अच्छी सड़क बनेगी, बाहर से इन्वेस्टर आएगा, और जब यहां बड़े उद्योग लगेंगे
तभी तो हमें रोजगार मिलेगा। और कांग्रेस का बड़ा लीडर ये कहे कि भारत के हालात खराब हैं, चाइना के हालात हमारे से 100 गुना अच्छे हैं, दुनिया कहती है कि कोरोना को लाने वाला चाइना है, लाखों करोड़ों आदमियों को मारने वाला कोरोना है, अमेरिका से लेकर यूरोपियन विकसित देश कहते हैं कि इस चाइना को एक तरफ करो, वहां उद्योग नहीं जाना चाहिए, और हम इस देश का एक पार्टी का लीडर क्या कहता है, चाइना ज्यादा अच्छा है, हिंदुस्तान में मामला गड़बड़ है, वहां फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, वहां इन्वेस्टमेंट मत करो है, वहां दूसरी बात क्या कहता है, अरे अच्छी मैंने शासन और प्रशासन का भय काट दिया वहां लोगों से, यानी उसका मतलब कि कोई किसी ने मार लियो रियो ना। एक नेता ये कहे कि मैंने भय काट दिया, ईमानदारी से देखना, अगर किसी बदमाश का गांव में भय लिकड़ जाए तो गांव में बसन देगा के? और देश का वो लीडर कहता है कि मैंने देश का भय निकाल दिया, मैंने सरकार का शासन का प्रशासन का भय निकाल दिया है, क्या चाहता है इस देश को के बारे में वो। इसलिए हमने चुनाव के अंदर सही आत्मा से फैसला लेके वोट गिरने के बाद कई बार आदमी सोचता है अरे यार मैं तो गलत वोट डाला, देश को सुरक्षित अगर रखना है, आगे अगर हमने बढ़ना है, आने वाली पीढ़ी की सोचना है, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिन्होंने एक समूथली आगे चलाया है, बहुत से प्रोजेक्ट अब भी अधूरे हैं, और अब तो आपको दो दो तो सांसद मिल गए घर बैठे, एक मैं एक या किरण बन गई, और मन ने तो ऐसा और लग गया। एक और बात, क्योंकि मुझे लगता है मैं कई बार देखता हूँ ये जो बीच में बनते हैं ना कई बार राज्यसभा में 1.5 साल खातर 2 साल खातर, वो अगली टर्म भी ले लें 6 साल वाली या तो 8 की बना दी, विधानसभा में भी आपका हिस्सा हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन चुनाव है, इसमें वोट का मार्जिन हमारी सभी सीटों से ज्यादा हो केवल यही विश्वास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी धर्मवीर सिंह जी।